What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL, मटर पनीर पुलाव बना रहा हूँ। अब ये जो पुलाव है ना, फटाफट बन जाता है, प्रेशर कुकर वाला पुलाव है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि चावल कितने पकाने, कैसे पकाने। मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, परफेक्ट एक एक दाना ये पुलाव का बनेगा जब प्रेशर कुकर में बनाओगे तब भी, और एकदम फटाफट बन जाता है। दूसरी बात यह है कि ये जो पुलाव है ना, इतना डिलिशियस बनता है, सिंपल सा पुलाव है, कोई ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह नहीं पड़ते हैं। इसको एज इज तो आप खा ही सकते हो सिर्फ रायते के साथ, या आपकी कोई करी वाली जो डिशेस होती है ना, जैसे शाही पनीर वगैरह बनाते हो या चिकन करी वगैरह बनाते हो, उसके साथ भी ये जो पुलाव है वो बहुत अच्छा लगता है। खाली डिफरेंस ये हो जाता है कि करीज के साथ अगर सर्व कर रहे हो तो बिना पनीर के भी बना सकते हो। तो सिर्फ प्याज और मटर वाले पुलाव उसके लिए, और पनीर डालना है जब आप एज इट इज़ खाली पुलाव खाने वाले हो, तो प्रोसेस आपका एग्जैक्टली सेम रहता है, खाली पनीर को निकाल लेते हैं। मेरे घर पे ना तो ये जीरा राइस बनते हैं प्याज वाले, सिर्फ प्याज डालते हैं, मटर भी नहीं डालते हैं, वो भी बहुत खाने में मज़ा आता है राजमा के साथ या ऐसे करीज के साथ। तो ये जो रेसिपी है बहुत सिंपल है, आसान है, एकदम आसान तरीके से पुलाव बनता कैसे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप अच्छे क्वालिटी के बासमती चावल ले लिए हैं। इन चावलों को आपको अच्छे से अभी धो लेना है। धोते समय ध्यान देना है, हल्के हाथों से धोना है कि चावल का जो दाना है ना वो तोड़ना नहीं हमको धोते समय, और 3-4 पानी से चावलों को धो लो जब तक कि पानी जो है वो क्लियर नहीं हो जाता है। एक बार पानी क्लियर हो जाए, वो सारा लूज स्टार्च इससे निकल जाए, उसके बाद इसमें ढेर सारा पानी डालकर लगभग 20-25 मिनट के लिए चावलों को भिगोने रख दीजिए। चावल जब तक भीग रहे हैं पनीर की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर को ऐसे डायमंड्स में कट कर लिया, आप स्क्वायर्स या क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं। एक बोल के अंदर पनीर को ट्रांसफर कर दीजिए। पनीर के ऊपर बस हल्का सा आपको कॉर्नस्टार्च छिड़कना है, हल्का सा, 1-2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर बस ऊपर से ऐसे डाल दीजिए, और बस बोल की मदद से ही ना ऐसे थोड़ा सा टॉस कर लीजिए कि हल्का हल्का वो कॉर्नफ्लावर पनीर के ऊपर लग जाए। उससे क्या है, फ्राई करते समय पनीर के ऊपर एक लेयर आ जाएगी, पनीर जो आपका टूटेगा नहीं पुलाव के अंदर, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है। एक बार आपने पनीर को इस तरीके से कोट कर लिया है, तब एक नॉनस्टिक पैन आपको ले लेना है, उसमें आप लगभग 5-6 टेबलस्पून तेल डालिए। तेल उतना डालना है कि पैन के अंदर नीचे एक पूरी तेल की लेयर बन जाए। एक बार तेल आपका गर्म हो जाए तो बस पनीर को ऐड कर दीजिए, और पनीर को अभी दोनों तरफ से आपको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। फ्लेम जो है आपकी मीडियम फ्लेम पर रहेगी, मीडियम टू हाई भी रख सकते हैं। बस एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हुआ, आपने पलटी कर दिया पनीर को, और फिर दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिया। बस एक बार आपने पनीर को इस तरीके से पका लिया है तो पनीर को निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब एक प्रेशर कुकर ले लीजिए। प्रेशर कुकर में आपको 1 टेबलस्पून तेल डालना है, वो जो पनीर वाला तेल था वही ऐड कर दिया है। साथ ही में 2 टेबलस्पून देसी घी डालना है, घी डालना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। घी एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते, 2 हरी इलायची, 1 मोटी इलायची, 5 साबुत काली मिर्च, 5 लौंग और 1 स्लिट की हुई हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को बस स्टर करके 1 मिनट के लिए कुक कर लीजिए कि जो मसाले का जो फ्लेवर है वो घी के अंदर आ जाए। और घी इसलिए ऐड किया है कि पुलाव में घी का फ्लेवर बहुत ज़रूरी है। एक बार मसाले आपके घी में थोड़े से तड़क जाएँ, तब इसके अंदर 2 स्लाइस किए हुए आपको प्याज ऐड करने। प्याज जो है ना वो ऐसे मोटे मोटे स्लाइस करके ऐड कीजिए, उसी का मज़ा आता है, चॉप करके मत ऐड कर देना। बस प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक इसे आपको पका लेना है। एक बार प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए तब इसमें मैंने 15 काजू को ऐसे आधा करके इसमें ऐड कर दिया। काजू ऐड करना कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको नट्स नहीं पसंद है पुलाव में तो कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। काजू ऐड करने के बाद अभी फिर से आपको पकाना है, जब तक कि काजू और प्याज पे थोड़ा हल्का हल्का रंग आना शुरू नहीं हो जाता है, हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, तो स्टर करते हुए काजू और प्याज को पका लीजिए। आप देख सकते हो काजू और प्याज अच्छे से कुक हो गए हैं, हल्का हल्का रंग इस पे आ गया है। इस स्टेज पर इसमें 1 कप हरे मटर आपको ऐड कर देना। बस 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आपको यहाँ पर स्टर करते हुए कुक करना है, क्योंकि प्रेशर कुक जब भी हम करेंगे तब मटर फर्दर कुक हो जाते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 मिनट आपने मटर को पका लिया, तब इसमें चावल डालने का टाइम आ गया। तो चावल हमारे सोख हो चुके हैं, इसका पानी निकाल दीजिए और चावलों को प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लीजिए। बस हल्के हाथों से एक बार आपको स्टर कर लेना है, सारा जो प्याज है, मसाले हैं, जो काजू है, मटर है, वो सारी चीज़ें चावल से मिल जाएं, और बस लगभग 1/2 मिनट के लिए चावल घी में हल्के से भून जाए। उतना सा ही स्टर करना है, एकदम हल्के हाथों से करना है। एक बार आपने ये कर लिया है तब इसके अंदर 3.5 कप आपको पानी डालना है। तो कप जो है ना, इसी कप से मैंने चावलों को मेजर किया था, 2 कप चावल लिए थे, हमको डबल क्वांटिटी से थोड़ा कम यानी कि 3.5 कप पानी इसमें हम ऐड करेंगे। तो 3.5 कप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। जो आप कप
कटोरी या ग्लास यूज कर रहे हो सेम माप का आपको इस्तेमाल करना है और इसमें उतना ही पानी आपने ऐड करना है। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून नींबू का रस, इससे थोड़ा से चावल जो है ना वो खड़े खड़े बनते हैं, और 3 से 4 पत्ते पुदीने के, पुदीने का जो फ्लेवर है ना वो अच्छा आता है। सारी चीज़ों को स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद बस हल्का सा पानी को चख लीजिए, नमक आपका एकदम बराबर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बराबर होगा तो चावलों में भी नमक बराबर होगा। मैंने तो यहाँ पर टेस्ट कर लिया, नमक एकदम बराबर है। अब आपको बस हाई फ्लेम पर इस पानी को एक उबाल पर ले आना है, एक सिमर पर ले आना है, लगभग 1-2 मिनट लग जाएंगे। एक बार हल्का हल्का इस तरीके से उबाल आ जाए तो हमारा जो पनीर हमने फ्राई करके रखा था उसको इस तरीके से ऊपर सजा दीजिए, पनीर की एक लेयर जो है उसको बिछा दीजिए। तब इसके ऊपर से आपको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देना है और हाई फ्लेम पर यहाँ पर 1 सीटी होने तक आपको बस पकाना है। बस 1 सीटी होने देनी है, उससे ज़्यादा मत होने देना। 1 सीटी जैसे ही हो जाए उसके बाद प्रेशर कुकर की गैस को बंद कर दीजिए और इसको नेचुरली डीप्रेशराइज होने दीजिए। इसमें जो भाफ बनी है उसे अपने आप निकलने दीजिए। प्रेशर एक बार प्रेशर कुकर से निकल जाए तब चेक करके ढक्कन को निकालिए। अब देख सकते हो पुलाव हमारा एकदम परफेक्टली पक गया है। आपने करना ये एकदम हल्के हाथों से करछी से नीचे वाले चावलों को घुमाकर ऊपर लाना है, हल्का हल्का सा मिक्स करना है ताकि जो नीचे वाले चावल है ना उनको भी थोड़ी हवा लगे और हमारा जो पुलाव है वो सेट हो जाए, उसमें से जो एक्सेस स्टीम है और एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए। और आप देख सकते हो एक एक दाना हमारा चावल का बराबर बना है, एकदम परफेक्ट हमारा पुलाव रेडी हो गया। लेट्स प्लेट इट वाईफल स्टाइल। ये जो पुलाव है ना इतना डिलिशियस बनता है और इतना सिंपल है बनाने में, आपने देखा कुछ ही मिनट्स में बन जाता है, और प्रेशर कुकर में आपने देखा एक एक चावल हमारा परफेक्ट बना। तो इसी तरीके से पुलाव बनाओ। आपको पहले ही बता दिया था कि सिंपल पुलाव है ये, इसको एज इट इज़ रायते के साथ खा सकते हो, कोई करी के साथ भी खा सकते हो, पनीर के बिना भी बनाना चाहते हो, घर पे सिर्फ मटर हैं प्याज हैं, बस थोड़े से मसाले डाल के ये पुलाव बना लो और साथ में ग्रेवीज के सर्व कर सकते हो, बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये खाने में। ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे और मुझे बताओ कमेंट्स में आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल पुलाव रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।